साथियों, अध्यापक भर्ती लेवल वन के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि उनका जिला आवंटन कब होगा और नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर कब जारी होगा। वही जो अभ्यर्थी जिनको प्रोविजनल में डाला गया था और उन्होंने अपने दस्तावेज जमा करा दिए, वो सही हैं, वो कह रहे हैं कि क्या हमारा भी प्रोविजनल वालों का वो डेटा बीकानेर पहुंच जाएगा, क्या उनके साथ हमारा जिला आवंटन हो जाएगा। इसके अलावा अध्यापक भर्ती लेवल टू के अभ्यर्थियों का परिणाम कब से शुरू होगा जारी होना। साथियों, सबसे पहले मैं लेवल वन के लिए जवाब दूंगा, फिर लेवल टू के लिए। लेवल वन के अभ्यर्थियों को मैं बताना चाहूंगा, माननीय निदेशक मोदी जी ने कहा था कि 11 सितंबर तक वो जिला आवंटन कर देंगे, यानी कि कल, परसों और सोमवार को 11 तारीख। साथ में ही कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारियों से मैंने भी निवेदन किया था और निदेशालय की तरफ से भी निवेदन किया गया है कि जो प्रोविजनल में आए हैं, जिनके डॉक्यूमेंट जो उन्होंने जमा करा दिया है वो सही हैं, उनके डॉक्यूमेंट बीकानेर भेजिए जिससे जिला आवंटन उनके साथ हो जाए। उम्मीद करता हूं कि कल भी कर्मचारी चयन बोर्ड खुला रहेगा, कल भी यदि हो सके, मैं निवेदन भी कर रहा हूं और उम्मीद है कि 11 तारीख से पहले जो डेटा पहुंचाने की बात हुई थी तो कल तक या परसों तक डेटा बीकानेर पहुंच जाएगा और उन प्रोविजन जो सही योग्य है उनका जिला आवंटन लेवल वन के उन अभ्यर्थियों के साथ हो जाएंगे जो पहले उनकी सूची जा चुकी है। उम्मीद है कि कल डेटा चला जाएगा और कल शाम तक या परसों, संभावना कल परसों, कल शाम की कम है, परसों जिला आवंटन हो सकते हैं संडे के दिन या फिर सोमवार को जिला आवंटन होना है क्योंकि 11 सितंबर को 7 दिन हो जाएंगे। अब लोग कह रहे हैं कि 7 दिन तो हो चुके हैं लेकिन वर्किंग डे के 7 दिन गिने जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक आधा दिन लेट होने का कारण यही है, लेट तो वैसे नहीं हुआ है, 7 दिन वर्किंग डे होंगे वो 11 तारीख होंगे, लेकिन जो प्रोविजनल में डाले गए थे सही है, इनको डेटा उन्होंने जो अपने दस्तावेज जो कमियां थी वो जमा करा दिया, वो उनका इंतजार कर रहे हैं कि बोर्ड जल्द भेजने की उम्मीद है कि कल भेज दिया जाएगा, उसके बाद जिला आवंटन हो जाएंगे, संभावना परसों की और तरसों की, यानी कि रविवार और सोमवार की ज्यादा संभावना माना जाए तो संडे को जिला आवंटन हो सकते हैं, किसी कारणवश नहीं हो पाए तो 11 को हो जाएंगे, लेकिन कल की संभावना है, लेकिन पूरी संभावना नहीं, कल की संभावना इसलिए बन सकती है यदि सुबह जल्दी भेज दिया जाता है डेटा तो कल शाम तक की संभावना बन सकती है, लेकिन संभावना कल की ज्यादा नहीं है। संभावना जिला आवंटन और नियुक्ति प्रक्रिया कैलेंडर जारी होने की संभावना मैं आपको बता दूं संडे को ज्यादा है, किसी कारणवश देर हो जाती है तो सोमवार को होंगे। वही लेवल टू का परिणाम कब जारी होगा, तो विषय अनुसार मैंने कल एक ट्वीट किया था कि कल या परसों, आज का दिन जा चुका है, आज लेवल टू का किसी विषय का परिणाम जारी नहीं हो, लेकिन उम्मीद है कि कल किसी विषय का परिणाम जारी हो जाए, संभावना कल भी है। कर्मचारी चयन बोर्ड के कर्मचारी अब छुट्टी के दिन भी काम कर रहे हैं, चेयरमैन साहब अपने कर्मचारियों कह रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्य करो कि भर्ती एक आचार संहिता नहीं मुझे, तो मैं तो उम्मीद करता हूं, भगवान से दुआ करो कि कल लेवल टू के एक दो विषय का परिणाम जारी हो जाए, एक दो तीन जो भी है परिणाम कल जारी हो जाए और उसके बाद अगले वीक में अधिकतर विषयों के परिणाम जारी हो जाएंगे, तो कल की उम्मीद है, भगवान पे विश्वास है कि कल कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ क्या मिल जाए। तो लेवल टू के अभ्यर्थी पूछे कब हमारा परिणाम जारी होगा, तो कल का इंतजार करें, पता नहीं कल भगवान आपको कुछ खबरें दे दे, कल इंतजार खत्म हो जाए कुछ विषय वार होगा और कुछ का अगले वीक में खत्म हो जाए, लेकिन चेयरमैन साहब एक्टिव हैं और पारदर्शिता के साथ इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराना चाहते हैं और उनका लक्ष्य है। अब वन रक्षक वाले कह रहे हैं, बीसीआई 610 कह रहे हैं कि हमारा परिणाम कब आएगा, तो आपको मैं बता दूं वनरक्षक और बीसीआई 610 हम लोगों ने प्रयास किया, 5 तारीख को आपके साथ किया, वार्ता सफल हुई, अलग से टीम लगाकर आपका परिणाम का कार्य शुरू करवाया है, उम्मीद करता हूं कि आपको भी जल्द खुशखबरी मिलेगी और मैं कोशिश कर रहा हूं जल्द से जल्द आप लोगों को खुशखबरी मिले, वनरक्षक और बीसीआई 610 का परिणाम जारी हो जाए, क्योंकि बीसीआई 610 को तो आचार संहिता से पहले ज्वाइनिंग दिला दी है, वन रक्षक का तो 2 गुना का परिणाम आएगा भी, 5 या 2 गुना का परिणाम आएगा भी, बल्कि उसके बाद समय लगेगा उसमें तो, लेकिन वन रक्षक का परिणाम जल्द जारी करवाने की कोशिश करें और बीसीआई 610 का भी परिणाम जल्द से जल्द जारी करवाने की हम कोशिश करें। फाइलमैन भर्ती के जो अभ्यर्थी चयनित अभ्यर्थी है आने वाले वीक में आपके ज्वाइनिंग आदेश जारी हो जाएंगे, केवल गृह जिला ज्यादा से ज्यादा चयनित अभ्यर्थियों को मिले इस चक्कर में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन आने वाले वीक में आपके ज्वाइनिंग आदेश जारी हो जाएंगे और 11 तारीख हम सब लोग मिलकर एक बार जल्द से जल्द आदेश जारी करवाने का प्रयास करेंगे, सभी विद्यार्थी ग्रेड भी पूछेंगे। धन्यवाद।